नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक बीपीएन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हुए प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे करें, हाउ टू रिटर्न फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड एप्लीकेशन रिव्यू रिलेटेड वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल पे आके फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद बॉटम राइट कॉर्नर में जहाँ पे अकाउंट लिखा है, सिंपली अकाउंट का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों, अकाउंट का ऊपर जब टैप करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑर्डर्स जहाँ पे लिखा है, सिंपली ऑर्डर्स का ऊपर टैप कर लेते हैं। ऑर्डर्स में टैप करने के बाद यहाँ पे माई ऑर्डर्स का एक लिस्ट विजुअल हो रहा है। यहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट से जितने सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, सभी का लिस्ट यहाँ पे वन बाय वन विजुअल हो रहा है। दोस्तों, रिसेंटली हमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं वो टॉप में विजिबल हो रहे हैं। हमको सेकंड नंबर पे एक टी शर्ट रिसीव हुआ है, ये टी शर्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है डिलीवर टुडे, मींस ये प्रोडक्ट मेरे को आज ही के डेट रिसीव हुआ है, फरवरी 17 को। दोस्तों, ये प्रोडक्ट को हम रिटर्न कब तक कर सकते हैं? रिटर्न पॉलिसी वैलिडिटी टिल फरवरी 29 तक ये प्रोडक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कस्टमर केयर से बात करने के लिए, तो आप नीड हेल्प का ऊपर टैप करके आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। मैं इस रिलेटेड वीडियो पहले से बना चुका हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं रिटर्न का ऊपर टैप कर लेता हूँ। हमको प्रोडक्ट रिटर्न करना है। रिटर्न का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल होगा। दोस्तों, यहाँ पे मेंशन है रीजन फॉर रिटर्न, आप ये जो प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, किस लिए रिटर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे मेंशन है डोंट लाइक साइज फिट द प्रोडक्ट, रिसीव रॉन्ग आइटम, डोंट वांट प्रोडक्ट एनी मोर, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज एक्सपेक्टेड, रिसीव ब्रोकन एंड डैमेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज। दोस्तों, आपको जो भी रिलेटेड इशू हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया डोंट लाइक साइज फिट द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मेरे को फिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया डोंट लाइक साइज द फिट द प्रोडक्ट। यहाँ पे थ्री ऑप्शन आ गया, नीड ए लार्ज साइज, नीड ए स्मॉल साइज। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डू नॉट लाइक द फिट। दोस्तों, यहाँ पे कॉमेंट में हमको लिखना है नीड रिफंड, क्योंकि हमको फुल अमाउंट रिफंड चाहिए। देन कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेते हैं। कंटिन्यू में टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजिबल हो रहा है। यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू वांट टू रिफंड, आप चाहते हैं एक्सचेंज करने के लिए या रिफंड लेने के लिए। दोस्तों, मैं प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना नहीं चाहता हूँ, मैं पैसा वापस लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं रिफंड का ऊपर टैप कर लेता हूँ। रिफंड में टैप करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन विजुअल हो रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है गिफ्ट कार्ड वॉलेट, देन ओरिजिनल पेमेंट मोड। दोस्तों, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते वक्त अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किए हैं या कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट को ऑर्डर किए हैं, आप चाहते हैं जो रिफंड अमाउंट आपने जो पे किए थे, जो अमाउंट, वो अमाउंट आपका गिफ्ट कार्ड वॉलेट में आ जाए, आपका जो नेक्स्ट परचेज में काम में आए फ्लिपकार्ट से, तो आप यहाँ पे गिफ्ट कार्ड वॉलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, गिफ्ट कार्ड वॉलेट जब सिलेक्ट करेंगे, आपका रिफंड अमाउंट जल्दी आपका गिफ्ट कार्ड वॉलेट में डिपोजिट हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आपका प्रोडक्ट पिकअप हो जाता है, तुरंत आपका जो अमाउंट गिफ्ट कार्ड वॉलेट में ऐड हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, तो आप चाहते हैं आपका रिफंड अमाउंट ओरिजिनल पेमेंट मोड में आ जाए, तो आप यहां पे ओरिजिनल पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फोन पे या गूगल पे या कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे किए हैं, तो आपका रिफंड अमाउंट सोर्स अकाउंट में ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाएगा प्रोडक्ट पिकअप होने के बाद। दोस्तों, यहाँ पे मैं ओरिजिनल पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के बाद देन कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेता हूँ, देन सबमिट रिक्वेस्ट का ऊपर टैप कर लेता हूँ। सबमिट रिक्वेस्ट का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिटर्न सक्सेसफुली इनिशिएट, हमने जो रिटर्न रिक्वेस्ट डाले हैं यहाँ पे ये अप्रूव हो चुका है। स्टेटस का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों, चेक स्टेटस का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है, पिकअप डेट दिखाई दे रहा है, देन रिफंड डेट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमने जिस दिन प्रोडक्ट को रिटर्न रिक्वेस्ट डाले, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हमारा प्रोडक्ट पिकअप हो जाता है। प्रोडक्ट पिकअप होने के बाद हमारा जो रिफंड अमाउंट हमारा बैक टू सोर्स अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, अगर प्रोडक्ट में कोई भी इशू आता है या कोई भी खराबी आता है, तो आप इजीली फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से कैसे बात करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, आप चाहते हैं आपका रिफंड अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में ऐड हो,
मैं इस रिलेटेड पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।